आप लोग ने भी माइनक्राफ्ट खेला है क्या? आप लोग ने भी फर्स्ट टाइम में माइनक्राफ्ट के नाम पे ये कर लिया था डाउनलोड, जो कि जिसका नाम है माइनक्राफ्ट ट्रायल? यस, मुझे पता तुम लोग ने यही किया था, बिकॉज यार मैंने भी यही किया था। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार माइनक्राफ्ट नाम की कोई गेम है, तो मैंने माइनक्राफ्ट ट्रायल उठाया और डाउनलोड कर लिया। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर लिया, तो भाई उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय यार ये 400 रुपए की गेम थी और मैंने बोला मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, तो उन्होंने बोले भाई ऐसा इंपॉसिबल है, तूने पक्का ट्रायल कर लिया होगा। और मुझे उतने समय मोबाइल वोबाइल की कोई तकल नहीं थी और मैंने डाउनलोड कर लिया और खेलना चालू कर दिया। और उसके बाद भाई वो एक बार खेला मैंने, दो बार खेला और तीसरी बार मुझे मौजंग ने खेलने ही नहीं दिया। आप लोगों को पता था क्या हुआ मैं तीसरी बार नहीं खेल पाया? तो वही तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट, और आज मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज बताने वाला हूँ शेडर और आरटीएक्स से रिलेटेड। आरटीएक्स रिलेटेड नहीं भाई, वही क्यों आता है। यार कल मैंने आप लोग से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि यार मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने कंटेंट में, बिकॉज यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूज डाउन जा रहे हैं और आप लोग को मेरा कंटेंट देखने का मजा नहीं आ रहा है। तो यार मेरे को ऐसा सही में लग रहा है और आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। और क्या मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूं? बहुत लोग बोल रहे सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करो, यार बताओ आप लोग मैं सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने बोलोगे? तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, वैसे मैं हर चीज़ में लाइक ही क्यों मांगता हूँ यार। ओके, तो आज मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्ञान की बात बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट फुल वर्जन और माइनक्राफ्ट ट्रायल में क्या अंतर है। आप लोग बोलोगे भाई मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जब मुझे पता चला ना भाई, मैं शॉक हो गया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ में तो ट्रायल अच्छा है और कुछ चीज़ में तो भाई फुल तो अच्छा है। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो भी कर दो, बिकॉज यार हम लोग बहुत करीब है 60,000 सब्सक्राइबर के। तो यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसा कंटेंट आप लोग को मेरे चैनल पर मिलता रहता है। तो फर्स्ट नंबर के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ये दोनों की प्राइस क्या है। तो यार तुम लोग बोलोगे क्या बात कर रहा है यार, ये तू क्या डिफरेंस बता रहा, वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगा ऐसी कर रहा। ओके यार, तो ये भी जानना जरूरी है, माइनक्राफ्ट ट्रायल फ्री है जो कि आप लोग को इंस्टॉल करते ही मिल जाता है, जिसका साइज है 118 MB। इतनी बातें कर रहा है ना गोल। वहीं पर बात करें माइनक्राफ्ट फुल वर्जन की, तो माइनक्राफ्ट फुल वर्जन आता है $6.99 का, जिसकी इंडियन रुपीज में कीमत है 650 रुपए। भाई बहुत ज्यादा है। अब यार ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा है और आपके मन में भी आ रहा है कि भाई दोनों तो मौजंग ने बनाया ना, दोनों माइनक्राफ्ट है, तो यार इसमें प्राइस का अंतर क्या है? वो वाला फ्री क्यों है और ये वाले के 650 रुपए हमें क्यों देना पड़ेगा? तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े रखे हैं और भाई पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया होता है। बट बिफोर दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल जीत एप्लीकेशन, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो। और इसकी खास बात यह है कि तुम लोग इसे साइन अप कर सकते हो गूगल या फिर फेसबुक से, तो दोनों में से किसी एक से करना, और जैसे उसके बाद आप लोग साइन अप कर लोगे यहाँ पर आप लोगों को कुछ बोनस मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पर किसी भी टाइप का कसिनो खेल के यहाँ पर पैसे जीत सकते हो। और भाई इसमें आप लोग को मिनिमम 2 रुपए तक का डिपॉजिट मिल जाता है और यहाँ पर 24/7 कस्टमर केयर रहता है। तो भाई आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो आप लोग इसे पूछ सकते हो, और साथ ही 2 रुपए तक का डिपॉजिट हो रहा है तो भाई तुम लोग 2 रुपए तक का कर सकते हो और 4 रुपए दो बार कर लो। सो जाओ डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आते अपने मुद्दे पर, तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रायल और पेड वाले वर्जन में ऐसा क्या खास बात है। तो यार ऑब्वियसली यार भाई वो पेड है और ये वाला ट्रायल है, तो कोई तो खास बात होगी ना। तो मेन इसमें खास बात ये है कि आप लोग को यहाँ पर ओनली सर्वाइवल मोड मिलती है ट्रायल वाले में, भाई कोई दूसरी मोड नहीं मिलेगी। जब आप लोग माइनक्राफ्ट ट्रायल खेलेंगे तो आपको सर्वाइवल के अलावा उसमें कोई भी मोड नहीं मिलेगी, जो कि भाई काफी बेकार बात है और काफी अजीब सी बात है। लेकिन यार फ्री में क्या ही प्रोवाइड कर देंगे माइनक्राफ्ट वाले, ओनली आप लोग सर्वाइवल में खेल सकते हैं, नो क्रिएटिव, नो एडवेंचर, नो स्पेक्टेटर और ना ही नो हार्डकोर। वैसे यार माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कब से होने लगे ये? यही नहीं अभी और सुनिए भाई, हद तो तब हो जाती है जब माइनक्राफ्ट वाले यहाँ पर टाइम को लिमिटेड कर देते हैं। यार कौन करता है ऐसा भाई, केव को एक्सप्लोर करने में ही मेरा टाइम निकल जाएगा, ज़ॉम्बी से हाइड करते करते ही मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। ओनली 90 मिनट मिलते हैं आपको माइनक्राफ्ट में, और यही हुआ था मेरे साथ जब मैंने 2 दिन तक खेला और 3रे दिन में नहीं खेल पाया। यही तो रीजन था यार मैं तीसरी बार नहीं खेल पाया था। तो अब समझ आ गया ना आप लोग को ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ। तीसरी चीज इस पर ये निकल के आती है कि माइनक्राफ्ट ट्रायल में कोई भी चीज सेव ही नहीं होती, मतलब आप लोग भाई कितनी भी प्रोग्रेस कर लो, वैसे भी 90 मिनट बाद तो बंद होने वाली है। और यार अगर आप लोग की 90 मिनट में अगर अच्छी प्रोग्रेस हो भी गई ना तो यार वो सेव ही नहीं होगी। 90 मिनट छोड़ो यार, तुम लोग अगर 1 मिनट के अंदर भी प्रोग्रेस करके माइनक्राफ्ट गम बंद करोगे ना तो भाई तुम्हारी प्रोग्रेस सेव ही नहीं होगी। उसको पता ही नहीं है यार ये कौन बंदा है, वो तो माइनक्राफ्ट ट्रायल है, वो आते हैं खेलते चले जाते हैं, उसको तो यही लगेगा। और माइनक्राफ्ट फुल में क्या होता है, आप लोग भाई साइन अप करो या फिर ना करो, वो आपकी प्रोग्रेस को सेव करते रहते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि माइनक्राफ्ट ट्रायल एकदम घटिया है और माइनक्राफ्ट पेडी वाला सबसे सही है, लेकिन यार सबके पास 650 रुपए थोड़ी होते हैं। यार वीडियो खत्म होने वाली है, मैं तुम लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे क्या इंप्रूव करना है आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही मुझे ये भी बता सकते हैं कि यार मैं सर्वाइवल सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। बाकी अगर आप लोग को माइनक्राफ्ट को फुल वर्जन अपने फोन में खेलना है तो यार यहाँ पर सबसे ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, या फिर अगर आप लोग को देखना है टॉप 5 आरटीएक्स शेडर तो नीचे वाली वीडियो में क्लिक कर देना। बाय बाय।